अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है फैटी लिवर डिजीज या जिगर में चर्बी। पिछले काफ़ी सालों से जैसे जैसे पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाता जा रहा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं और आजकल नौजवान ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर फैट या चर्बी जमा होना शुरू हो जाते हैं। एक स्टेज तक जब लिवर में फैट या चर्बी होता है तो हम इसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, मगर ये लिवर को डैमेज नहीं कर रही होती। लेकिन उसका अगला स्टेप ये होता है, एक स्टेज आती है जब ये फैट या चर्बी लिवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है और ये फिर एक मुकम्मल बीमारी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लिवर को डैमेज करता रहता है और 15-20 सालों के अंदर लिवर डैमेज होकर परमानेंटली सिकुड़ जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। फैटी लिवर डिज़ीज़ एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और आइंदा आने वाले काफ़ी सालों में ये बहुत सारे लिवर के पेशेंट्स को, उनके लिवर को डैमेज करेगा और अल्टीमेटली लिवर कैंसर और लिवर फेलियर का कॉज बनेगा। तो फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। अगर आपको आपके लिवर में चर्बी हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह पे पता चले कि जिगर में चर्बी है, तो अपना वेट कम करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, हेल्दी फूड खाने से यू कैन रिड्यूस द फैट इन द लिवर और आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फैटी लिवर को इन टाइम रिकग्नाइज किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि अदरवाइज 10 से 15 सालों में लिवर डैमेज होकर सिकुड़ जाएगा, उसमें लिवर कैंसर बन सकता है और इन चीज़ों के लिए फिर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपने लिवर का ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक नई सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपने लिवर को हेल्दी रखें। टेक लेस फैट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, डू टेक हेल्दी मील, ताकि आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल रहे। शुक्रिया।